Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the educators Al-Khaleen Gamers online classes. बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर 4 हुआ था उसमें भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस की थी, लेकिन वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन थी. आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स की जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे हम लोग उनका कैसे कैसे हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं. बच्चों हमारे पास ये तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज आती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वालिटी की आ रही है, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें ये चीज़ बताती है कि रियल नंबर्स का हमारे पास जो सेट है उस सेट में से कोई भी रियल नंबर लें तो वो रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, यानी इक्वल इट सेल्फ आता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रियल नंबर ए है तो वो इक्वल आएगा ए के ही, किसकी वजह से, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से. फॉर एग्जाम्पल 1 के इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, इसी तरह अगर 3 आएगा तो 3 भी इक्वल, मीन के हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल आता है. सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम कोई भी 2 रियल नंबर्स लें और वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हों तो हम उन दोनों को किसी भी ऑर्डर से इक्वल लिख सकते हैं. मीन के ए अगर इक्वल होगा बी तो इसको बी इज इक्वल टू ए भी हम लोग बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास कोई नंबर है, कोई इक्वेशन है 2 = 3, तो हम उसको 3 = 2 भी बोल सकते हैं. इसी तरह हमारे पास जो नंबर 3 की प्रॉपर्टी आ रही है उसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि अगर कोई भी हम 2 रियल नंबर्स लें, कोई भी अगर हम 3 रियल नंबर्स लें और हमारे पास वो रियल नंबर इस तरह से हो कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वाला जो रियल नंबर है वो सेकंड वाले के इक्वल है और सेकंड वाला थर्ड वाले इक्वल है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक जो फर्स्ट वाला रियल नंबर होगा वो थर्ड वाले के इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू सी है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ए इज इक्वल टू सी आएगा. इसी तरह हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टी आती है वह एडिटिव प्रॉपर्टी. बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई भी हमारे पास रियल नंबर्स हों 3 रियल नंबर्स और उनके हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह से आए कि ए इज इक्वल टू बी, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वाला जो सेकंड वाले के इक्वल है, तो किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पे और उसकी राइट साइड पे दोनों साइड पे कोई भी सेम डिजिट हम ऐड कर दें तो इस इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वेशन बिल्कुल इक्वल ही रहती है. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी है, उसमें मैंने एक डिजिट ऐड की है दोनों साइडों पे उसकी सी, उसकी दोनों साइडों पे सी अगर डिजिट हमने ऐड किया तो इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए इज इक्वल टू बी तो इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे अगर मैं सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, इक्वेशन का आंसर बिल्कुल सेम आएगा. इसी तरह हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 6 आ रही है वो आ रही है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस इक्वेशन को ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सी है ये कैंसलेशन जो प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है उसके मुताबिक ये सी कैंसल हो जाएगा और ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा. इसी तरह हमारे पास 7 नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स की इक्वेशन हो लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के तहत जो सी है इस सी से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा जो इक्वेशन है वो ए इज इक्वल टू बी, वो इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर था. ओके अल्लाह हाफिज़, स्टे होम सेफ लाइफ.